विगत कई वर्षों से किसानों के नेता बनते हुए, किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए लगातार कई वर्षों से रामदेव सिंह जी को आज फिर किसानों ने, मजदूरों ने फिर से अपने नेता चुना और पैक्स अध्यक्ष की कुर्सी पर बरकरार रखा। नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं संविधान चैनल। इस वक्त रामदेव सिंह जी खुद हमारे साथ मौजूद है और मैंने आपको बताया विगत कई वर्षों से पैक्स अध्यक्ष का कमान संभाल रहे हैं, किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों और मजदूरों के अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं और इनका कहना है कि निश्चित तौर से हम किसानों को हर यथासंभव प्रयास करेंगे कि कहीं से भी उनकी कोई भी परेशानी हो तो उसको सरकार तक पहुँचाना और उनके अधिकार और हक की लड़ाई लड़ना। आइए बात करते हैं, जानते हैं एक जबरदस्त जीत कही जाएगी और विगत कई वर्षों से किसानों ने इनको यह जीत का एक बहुत बड़ा इनको जो ये चेयरमैन का कुर्सी है इनको लगातार देते आ रहा है। आइए जानते हैं कि इतने बड़े जीत का श्रेय किसको देना चाहिए। सबसे पहले हमारे समृद्धि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यहाँ तक कि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, मंत्रिमंडल के सदस्य सब लोग आपको दिख रहे हैं। जानना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी जीत फिर से किसानों ने आपको दिलवाया, यहाँ के मजदूरों ने, किसानों ने और आम जनता ने आपको फिर से एक बहुत बड़ी जीत दिलाया। वैसे तो विगत कई वर्षों से लोग आपके विश्वास के कायल हैं और आपको जीत दिलाते आ रहे हैं, तो इतने बड़े जीत का श्रेय आप किसको देना चाहिए? तमाम जनता को जी। किसानों के बारे में आपने क्या सोचा है? किसानों के बारे में तो हमारा जरूरी काम है, उनको ध्यान में न देना बहुत सुंदर। आप कब से चुनाव लड़ रहे हैं? पैक्स अध्यक्ष का चुनाव आप कब से लड़ रहे हैं? चुनाव तो मतलब कर हुआ 80 से चुनाव लड़ रहे हैं। 80 से ही चुनाव लड़ रहे हैं और हर बार किसानों ने आपका मदद की, यानी कि जबरदस्त रूप से आपकी ईमानदारी के कायल है। ईमानदारी की जरूरत में करते हैं काम करेगी। बहुत सुंदर। आप लोग देख रहे हैं हमारी बात हो रही है रामदेव सिंह जी, जो कि लगातार कई वर्षों से किसानों ने अपना इनको नेता बनाते आया है। चेयरमैन के पद हमेशा के लिए इनके लिए सुरक्षित रहता है, क्योंकि कई वर्षों से एक बार दो बार चुनाव निकालना एक आम बात होती है, लेकिन लगातार कई बार चुनाव निकालना एक बहुत बड़ा विश्वास का प्रतीक होता है। कहीं ना कहीं से इनका विश्वास, इनका कुशल व्यवहार, इनकी ईमानदारी और इनकी कर्मठता से यहाँ के लोग कायल हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और इन पे ही आके बटन दब जाता है। निश्चित तौर से इनका व्यवहार, इनका विश्वास लोगों के दिलों पर छाया हुआ है, यह प्रूफ के तौर पर कहा जा सकता है, चूँकि लगातार कई वर्षों से इनका पैक्स अध्यक्ष का कुर्सी इनके लिए सुरक्षित रहता है। यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर और यहाँ की आम जनता काफ़ी सुंदर तरीके से इनको विधवा तरीके से चेयरमैन बनाती है और हर बार बनाती है। इस बार भी इनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ का चेयरमैन बनाई। कंपटीशन में लोग रहते हैं लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ, फिर से रामदेव सिंह जी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। जानना चाहेंगे कितने मतों से आप विजयी हुए हैं? 34 मतों से। चलिए, बहुत सुंदर। कंपटीशन में कितने लोग थे आपके साथ? लड़ने वाला कोई भी हो उसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है, सबको आजादी है, कोई भी विपक्ष में लड़ सकता है, लेकिन अपने स्वभाव से, अपने विचार से और अपने कुशल व्यवहार से, अपनी ईमानदारी और कर्मठता को दिखाते हुए, जो आम आवाम किसानों पे और मजदूरों पे और आम जनता पे जो इन्होंने अपना विश्वास जताया है, जो अपना प्रेम दिखाया है, जिसकी देन है, आज उनको फिर से चेयरमैन का पद संभालने का मौका मिला। जबरदस्त तरीके से श्री रामदेव सिंह जी ने बताया कि किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जब किसानों ने मुझे चयनित किया है तो उनके हक और अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे, और तरीके से शानदार तरीके से कहा जा सकता है, चूँकि विगत कई वर्षों से जीत हासिल करते आ रहे हैं और इनके प्रतिनिधि के रूप में इनके एक बेटे हैं जो कि काफ़ी विपिन जी काफ़ी सुंदर तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि पंचायत का जितना भी पैक्स का देख रेख होता है, किसान और मजदूर से संबंधित, आम जनता से संबंधित, सब यही करते हैं। तो संयोग से विपिन जी भी अपने सारे युवा साथियों के साथ हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, ये क्या बताना चाहेंगे? विपिन जी, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से फिर से एक बहुत बड़ी जीत हासिल की, किसानों का प्रेम आप लोगों ने जीता अपनी ईमानदारी से, अपने विश्वास के बदौलत, लेकिन आखिर प्लानिंग क्या है, किसानों के बारे में आपने क्या सोचा? सबसे पहले मैं जितने भी हमारे 1540 सदस्य मतदाता है, मैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ
ये हमारी जीत नहीं बल्कि हमारी पूरे समस्त पूरा पंचायत की जीत, पंचायत की जनता की जीत है। मैं उनको जीत को हार्दिक बधाई देता हूँ अपनी तरफ से। और हमने अभी किसानों के लिए पैक्स राइस का निर्माण कराया गया, जिसमें किसानों का समस्या का समाधान हो सके। पिछले वर्ष में, विगत वर्ष में जो धान आदि प्राप्ति होता है उसमें समस्याएँ आ रही थी। उस समय समस्या दूसरी मिल से पैक करना पड़ रहा था, वहाँ पर हम लोग किसान धान को लेकर उनके वहाँ जाना पड़ता डायरेक्ट। यहाँ पर गोदाम भंडारण भी बनवा देगा 200 MT क्षमता वाला जी, माननीय मुख्यमंत्री क्षमता भंडारण वहाँ से बना दिया गया है, जिससे वहाँ पर किसानों का धान रखने में आसानी होगा। वहाँ से उठाकर राइस मिल में, वहाँ से उसको कूटकर सीधे वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, सरकार के SFC के वहाँ पहुँचाया जाएगा। और यहाँ पर जितने भी हमारे किसान हैं उनके लिए, गरीबों के हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। इस बार भी उन्होंने, हमारी जनता ने विश्वास कर हमको जिताया है, उनको धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा। किसी तरह से विश्वास प्रेम हमारे पैक के प्रति बनाए रहे, हम लोग किसानों के हित में हमेशा काम करते हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा प्रतिनिधि यदि एक अच्छे पंचायत में हो, सोनपुरा पंचायत अपने आप में बहुत ही सुंदर पंचायत है और काफ़ी तरीके सूझबूझ के साथ रामदेव सिंह जी यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं और पैक्स अध्यक्ष के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपने देखा विपिन जी, काफ़ी सुंदर तरीके से इन्होंने किसानों के लिए बहुत सारा प्रयासरत है और सरकार से भी बहुत सारी चीज़ों का डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारा चीज़ व्यवस्था इन्होंने बताया भी कि हमने किया है, किसानों को दूर दराज जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हर तरह की व्यवस्था। और जब किसानों ने हम पे 100% विश्वास किया है तो 110% उनका साथ देके हम भी दिखाएंगे, इनका कहना है विपिन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज चैनल अशोक तिवारी, कैमरामैन विकास के साथ, थैंक यू।